बड़ी खबर आपको बता दें, जाली नोट कांड में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी से यूपी में सियासत तेज है। यूपी के कुशीनगर से पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता रफी खान और नौशाद खान के साथ 10 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। करीब 5.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफी खान और बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है। रफी खान पर नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट की तस्करी का आरोप है। इस मामले में अभी 4 लोग फरार हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों का पुलिस ने व्हीलचेयर में मार्च कराया, जिससे पुलिस वाले व्हीलचेयर पर आरोपियों को बिठाकर घुमा रहे हैं। सभी आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभी इस गिरोह के बारे में और क्या जानकारी मिल रही, कब से ये चल रहा था आशीष, और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और 2 लोगों के कनेक्शन समाजवादी पार्टी से? देखिए प्रीता, साफ तौर से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन इस ग्रोह के साथ में आया, वो भी ये इंटरनेशनल गैंग है, इंटरनेशनल जो तस्करी करता है नकली नोटों की, जहां पर नकली नोट पाए गए हैं। इसके साथ साथ नेपाल से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक का इनका जो नेटवर्क था वो पूरी तरीके से था। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव कह सकते हैं वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और उसके साथ साथ दूसरी जो संस्कृति प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसमें पूरी तरीके से आए हैं। रफी खान और नौशाद, ये 2 व्यक्ति हैं, यानी 10 लोग अभी तक इसमें पूरी तरीके से ट्रैप में आए हैं, और बाकी कई अन्य लोग फरार भी हैं इस मामले पर। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा गैंग चल रहा था, और जो नकली नोट बनाने के लिए वहां पर जो प्रिंटिंग मशीन मिली, इसके साथ साथ वहां पर स्कैनर मिला है, किस तरीके से नोट बनाते थे, नेपाली करेंसी बरामद की गई है, और कई लाख रुपए जो है इंडियन करेंसी बरामद की गई, कई नकली करेंसी बरामद की गई है। तो सोच सकते हैं आप कि किस तरीके से गैंग चलाया जा रहा था, और जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सीधा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संस्कृत प्रकोष्ठ जो समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी इसी में शामिल हैं, इस गैंग में, और उसके साथ साथ जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इस मामले को लेकर अब ये कह सकते हैं कि पूरा गैंग पूरे इंटरनेशनल तरीके से चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जड़े थी ही थी, इसके साथ साथ नेपाल में भी थी और अन्य प्रदेशों में भी थी। और जब पुलिस ने बरामदगी की है उसके बाद भले ही अब कनेक्शन सामने देखने को मिल रहे हैं, कई ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो सामने निकल कर आए हैं जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ अन्य समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ। इस बीच यूपी पुलिस क्या कुछ कह रही है इस गैंग को पकड़ने को लेकर, सुनिए। और क्रिमिनल जो सूचना थी उसकी दृष्टि से ये कार्य किया गया है, पॉलिटिकल एफिलिएशन की सूचना इसमें मिली है, लेकिन ये कार्रवाई कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, जो आपराधिक में जो लिप्त हैं उन लोगों पर करवाई गई है, और अन्य भी जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे इस गैंग के, वो उन पे भी फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। प्रदेश स्तर का लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी आप पकड़ के जेल भेजे हैं और इतना बड़ा सरगना है, इस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा बताया गया, लेकिन कार्रवाई जो है पूर्णतया ये मेरिट बेस्ड और अपराध की दृष्टि से इसमें की गई है, और इसमें ऐसे कई क्रिमिनल इस गैंग पे जिनकी पूर्व की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो और इसमें जो भी लोग इसमें सम्मिलित है अगर इस अपराध इन्होंने कारित किया तो ये जो वांटेड है उन पे भी कार्रवाई फर्दर की जाएगी, और साथ ही साथ गैंगस्टर एवं इनकी संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई कराई जाएगी। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का नाम आया है, तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही है, वो भी जरा सुनिए। कोई किसी केस का आरोपी हो उसको सजा देना कोर्ट का काम है, दिलाना प्रशासन सरकार का काम है। अगर किसी की भी हत्या होती है तो उसमें 10 तरह के सवाल उठते हैं, हत्या की गई, कराई गई, किसी ने अपने बचने को कराई, किसी ने अपने किस उद्देश्य से कराई। पुलिस कस्टडी में हत्या सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी में हत्या होगी और पुलिस में ही लोगों को भरोसा नहीं रहेगा कि इनकी कस्टडी में भी कोई सेफ नहीं है, तो फिर ऐसे पुलिस प्रशासन में सरकार और पुलिस का क्या इकबाल रहेगा? कि जब से उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारी है, योगी जी का केवल एक ही एजेंडा है उनके अधिकारियों का, उनकी पुलिस का, कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसी भी तरीके से फंसाना है, फर्जी मुकदमे बनाने हैं,
और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। तो आप जनता ने हरा दिया आपको, बदला ले रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से केवल छवि खराब करने के लिए, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि हर गलत काम समाजवादी पार्टी के नेता और उनसे जुड़े लोग ही करते हैं। जारी नोट को लेकर यूपी के मंत्री राजभर का यह बयान, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद आज कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हर शुभ अवसर पर पहले हनुमान मंदिर जाते रहे हैं। यही परंपरा, यही प्रथा आतिशी भी निभाती हुई दिखाई दी। कल उन्होंने देखा था किस तरीके से उन्होंने सीएम पद की कुर्सी संभाल ली है। अब ये पारी उनकी तभी तक है जब तक दिल्ली में अगला चुनाव नहीं होता, लेकिन इस बीच मंदिर पहुंची आतिशी अपने समर्थकों के साथ। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे और वहां बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल हमने देखा था कि कैसे केजरीवाल के लिए कुर्सी छोड़कर आतिशी दूसरी कुर्सी पर बैठी थी। ये सीएम ऑफिस के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने पदभार संभाला था तो यहाँ पर एक नज़ीर पेश की कि अभी भी वो एक भरत समान ही है पूरे कार्यभार में, जिसमें मुख्य पद यानी कि सीएम का पद अरविंद केजरीवाल आगे संभालेंगे और सिर्फ कार्यवाहक तरीके से सीएम के तौर पर वो पद संभालेंगे। राज ये तस्वीर आई है उनकी बजरंग बली के मंदिर में दर्शन करते हुए। कनॉट प्लेस का प्राचीन बजरंग बली का मंदिर है जहां पर अक्सर केजरीवाल भी हर शुभ काम से पहले पहुंचते थे। आज आतिशी वहां पहुंची है, आज मंगलवार का दिन है और वहां उन्होंने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया भी साथ में नजर आ रहे हैं। इधर आप अरविंद केजरीवाल को भी देख सकते हैं। पहले की ये तस्वीर है जब केजरीवाल ने हनुमान भक्ति की थी तब प्राचीन हनुमान मंदिर ही पहुंचे थे, आज आतिशी यहां पर पहुंची है। दो राज्य दो पुलिस का एनकाउंटर, लेकिन सवाल वही कि क्या यह मुठभेड़ असली है या फर्जी। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के बाद दो एनकाउंटर हुए और यूपी की राजनीति के केंद्र में यह मुद्दा आ गया। एक दिन पहले यूपी के गाजीपुर में एक एनकाउंटर हुआ और पुलिस पर हमला करने वाले इनामी बदमाश को मार गिराया गया। अब महाराष्ट्र में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है, उससे पहले महाराष्ट्र में भी एनकाउंटर को लेकर सियासत जोरों पर है। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे मुठभेड़ में मारा गया और अब उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बदलापुर में आखिरकार हुआ क्या था और आखिर क्यों और किस तरह के सवाल वहां शुरू हो गए, इस पर एक रिपोर्ट देखिए और यह भी देखिए कैसे सुल्तानपुर और बदलापुर की कड़ी सियासत के लिहाज से जुड़ती है। देश के दो हिस्से, दो राज्य, यूपी का सुल्तानपुर और महाराष्ट्र का बदलापुर, दोनों शहरों में दो वारदात होती है। 16 अगस्त को महाराष्ट्र के थाने में बदलापुर कस्बे में 4 साल की दो मासूम के उत्पीड़न की खबर आती है। आक्रोश भड़कता है, हंगामा होता है, थाने पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है। 12 दिन बाद 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती होती है। 14 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, 9 की गिरफ्तारी होती है। 28 दिन बाद बदलापुर के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। 28 दिनों के दौरान सुल्तानपुर के दो आरोपियों के भी एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। सुल्तानपुर से बदलापुर का फासला करीब
1488 किलोमीटर है, कम से कम 25 घंटे का सफर। लेकिन इन दो वारदातों पर हो रही सियासत न दूरियों की मोहताज है, न दो अलग अलग प्रदेशों के हालातों। सवाल सुल्तानपुर एनकाउंटर पर भी उठते हैं और उंगलियां बदलापुर में भी उठ रही हैं। पहले उन दो परिवारों का ही सवाल सुन लीजिए जिनसे मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के ताल्लुक है। तो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, राजनीतिक चक्कर में हमारे लड़का हमारे यहाँ से निकल गया। हम मुझे कमा के खिलाने वाला मेरा सहारा था, 22 साल का मेरा लड़का था, मैं कैसे किसके सहारे जीऊं। शासन हमें बताया कि हमारे लड़के क्या दोस्त था, एक ही केस था। यहाँ 40 केस वाले सब घूम रहे हैं और हमारे बच्चे का सिर्फ एक केस था। सरकार को एक मौका तो देनी चाहिए थी उसको सुधरने के लिए, इससे ज्यादा अब क्या कहें सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके बच्चे? हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया, दोनों लोगों की राजनीति, हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। जो अखिलेश यादव हैं, कहीं ना कहीं अब उनको कलेजे की ठंडक मिल गई होगी कि हाँ चलो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। वो तो यही चाहते ही थे, राजनीति की ही, तभी तो हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ, नहीं हमारे भाई का एनकाउंटर ही ना होता। जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। बदलापुर की वारदात जघन्य थी, दो मासूमों के साथ दरिंदगी दिल दहलाने वाली थी। वारदात के बाद गुस्सा फटना स्वाभाविक था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसे कतई स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। अक्षय शिंदे आरोपी था, वारदात की जांच चल रही थी, अदालत में सुनवाई अभी बाकी थी। उससे पहले मुठभेड़ की खबर आई और बदलापुर में जश्न होने लगा, मिठाइयां बंटने लगी और फिर से वही सवाल बदलापुर पर भी उठने लगे जो सुल्तानपुर में सुनाई दे रहे थे। क्या ये एनकाउंटर पूर्व नियोजित था? आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग है, संस्था के लोग है, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत। पुलिस ने मुठभेड़ का पूरा ब्यौरा बताया है। पुलिस ने 18 सितंबर को अक्षय शिंदे के खिलाफ दूसरा केस दर्ज किया था। उसी केस में रिमांड लेने के बाद पुलिस अक्षय को तलोजा जेल से बाहर निकल रही थी। पुलिस के मुताबिक अक्षय शिंदे ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर को छीना और गोली चला दी। फायरिंग में दो पुलिस वाले घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। क्या सच इतना ही है? इस वक्त इस पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी इस मुठभेड़ पर मुकाबला चलता रहेगा। दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्य सिंह, मुंबई आज तक। दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दीपेश, जिस तरह ये पूरी घटना घटी है, इसमें कहां कहां संशय दिखता हुआ नजर आता है विपक्ष को, जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं वो, और आरएसएस से भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, जैसे जब से ये इनकाउंटर की बात सामने आई है तब से ही विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये फर्जी इनकाउंटर है और कुछ बड़े नाम बचाने के लिए सरकार ने फर्जी इनकाउंटर कराए हैं, क्योंकि जब मामला दर्ज किया गया था तब अक्षय शिंदे और जो स्कूल का प्रशासन था उन पर भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बार बार ये आरोप तो विपक्ष हो या चाहे अक्षय शिंदे का परिवार हो, उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के लीडर हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि जब एक आरोपी को, एक अभियुक्त को हथकड़ी लगी हुई है, उसको बुरखा पहनाया गया है, तो वो कैसे किसी अधिकारी के कमर से पिस्तौल छीन सकता है और फायर कर सकता है, और क्या वो पिस्तौल लॉक नहीं थी। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार यही कह रही है कि ये जो भी थी ये इनकाउंटर था, पुलिस ने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है, जिसमें दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। और विपक्ष क्या यही चाहता है कि पुलिस वालों
की जान पर बनाती तब वो मानते इसको, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस पर शुरू है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि इस पर जब जांच बैठेगी या जांच बैठती है या नहीं और उसमें निकलकर क्या सामने आता है। फिलहाल अक्षय शिंदे के शव को जो है वो जे ले जाया गया है जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, फॉरेंसिक पोस्टमार्टम किया जाएगा और तब कुछ और तथ्य होंगे जब निकलकर सामने आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बदलापुर एनकाउंटर पर विपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस फिल्म वाली दलील विपक्ष को पच नहीं रही है और विपक्ष ने सवाल किया है कि अगर आरोपी के हाथ बंधे थे तो पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी कैसे गई। वहीं शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने एनकाउंटर पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब बता। बात बड़ी लाजमी है कि अक्षय शिंदे कोई महात्मा नहीं था या कोई महापुरुष भी नहीं था। अक्षय शिंदे को बिल्कुल सजा होनी चाहिए और उसे फांसी भी होनी चाहिए, लेकिन फांसी होने के लिए एक जो कानूनन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जाना पड़ेगा। हमारे देश का अहम दुश्मन कसाब के लिए भी, कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एक कानूनन प्रोसेस फॉलो की गई थी, तो अक्षय शिंदे के लिए भी वह प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अक्षय शिंदे के साथ और कुछ ऐसे कई लोग, कई सुराग जुड़े हो जो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, आए नहीं है, या अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के साथ वो वही के वही दब गया है। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा। तो फिलहाल परिवार ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। सवालों में अक्षय का एनकाउंटर नजर आता है, मां का भी आरोप है। पुलिस ने अक्षय को मार डाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मां का आरोप है कि जेल में अक्षय की पिटाई भी हुई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं शिवसेना यूबीटी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। वहीं सुल्तानपुर डकैती कांड में अब तक 11 आरोपियों पर एक्शन हो चुका है, 3 अब भी फरार हैं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर यूपी की सियासत में उबाल है, पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही। तो विपक्ष कह रहा है कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आरोपियों के परिवार वाले भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जाति वाली सियासत सबसे ज्यादा जोर पर है। मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह मुठभेड़ में मारा गया। विपक्ष का कहना है कि यह भी जानबूझकर किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि जाति के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है, मुठभेड़ असली है। तो मुठभेड़ को असली दिखाने के लिए एक जाति विशेष को टारगेट किया गया, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। पहले विपक्ष का यह कहना था कि खासतौर पर मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव है और अब ठाकुर का एनकाउंटर किया गया है ताकि पूरे मामले को बैलेंस किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है उनको तकलीफ होती है। ऐसा तो नहीं है कि बात बराबर करने के लिए इस किस्म की बातें हो रही हो। क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि जब चाहो उसको मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए एक जवान लड़के को? तो अदालतों की हमारे यहाँ जरूरत क्या है? जब अदालतें मौजूद हैं तो पुलिस का काम तो यह है कि अदालत में पेश करे और उसका जुर्म साबित होने में अदालत फांसी दे दे।
किसी को कोई परेशानी नहीं है। इस बीच विपिन सिंह का सरेंडर हुआ है। 14 आरोपी इस मामले में, दो ढेर हैं, एक सरेंडर है, 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुष्पेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है, सुल्तानपुर का ये कथित लूटकांड जिसमें त्रिभुवन कोरी गिरफ्तार हुआ, और इसके अलावा सचिन सिंह गिरफ्तार हुआ। दो एनकाउंटर ऐसे थे जिसमें दो अन्य आरोपी भी शामिल थे। उस एनकाउंटर में वो उस वक्त मौजूद थे लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहे। 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। इसके अलावा इस डकैती कांड में अनुज वांछित था। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि एनकाउंटर के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो, कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया। जिस जात की संरक्षण की बात हो रही उसी जात का मार दिया। एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा,